जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह को मंगलवार को जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह के समर्थक मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने साधना सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और उन्हें अपने हाथों से जीत का प्रमाण पत्र दिया। दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्वाचित होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा कि विकास करना हमारे परिवार की परंपरा रही है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पूरे प्रदेश का विकास किया। साधना सिंह ने कहा, क्षेत्र का विकास करना ही उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी और इसके पूर्व भी जब वे जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं तो उन्होंने क्षेत्र का भरपूर विकास किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे जिले में समुचित विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि साधना सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की पुत्रवधू हैं और उनके पति फतेह बहादुर सिंह वर्तमान में कैंपियरगंज के विधायक हैं और पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा साधना सिंह भी पूर्व में जिले के पंचायत अध्यक्ष पद पर 5 साल अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं और एक बार फिर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा, आइए आइए। परम आदरणीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदय की अनुमति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप सबको सूचित करना है कि 26 जून 2021 को नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। सायंकाल 3 बजे तक 2 नामांकन प्राप्त हुए थे, श्रीमती साधना सिंह का और श्रीमती संगीता जी का। 3 बजे के बाद स्क्रूटनी की गई जिसमें संगीता जी का नामांकन अवैध पाया गया, उसमें त्रुटियां थी, उसको रद्द कर दिया गया। इसकी सूचना भी उनको दे दी गई थी। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच आज 29 तारीख को सायंकाल 3 बजे तक नाम वापसी का समय था। किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। एकमात्र निर्वाचक जिन्होंने नामांकन किया था सुश्री साधना सिंह जी थी। 3 बजे के बाद अब प्रक्रिया के तहत माननीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के द्वारा आपको जिला पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। और सर के द्वारा सर से अनुरोध करेंगे कि मैं आपको प्रमाण पत्र दूंगा। विकास का कार्य करने के लिए आई हूँ, विकास ही करूँगी। विकास इसके पहले भी था, 5 साल पहले भी
मुद्दा हमेशा हमारी परिवार की परंपरा चली है, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के समय से विकास करना ही हमारी परंपरा है और हम वही निर्वाह करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव भी आने वाला है भाजपा से, भाजपा से आप सीट भी जीती हैं ये वाला, तो 2022 के लिए क्या रणनीति है कुछ? 2022 के चुनाव के लिए बस यही है कि सभी लोग मिलकर मेहनत की जाएगी और 2022 का चुनाव पूरे उससे जीता जाएगा। पूरे जिले के अध्यक्ष बनी है तो जिले के नागरिकों से क्या कहेंगे आप? सभी नागरिकों से यही कहूँगी कि मेरे विकास के कार्य में आप सभी लोग सहयोग करें।